गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपकी प्यारी वर्षा। और गाइज आज मुझसे मिलने वाली है सिमरन। 20 से 25 दिन हो गए हम दोनों को ना मिले हुए। बाकी एक बहुत ज़रूरी काम मैं कराने आई हूँ, शायद वो भी कराए तो आप मेरे ब्लॉग को देखते रहे। अभी मैं आ गई हूँ सूखी और वो मुझे यहीं पे मिलने वाली है। चलो गाइज मिलते हैं। पता नहीं कहाँ, अभी तो ढूंढना पड़ेगा उसको। मिलती भी नहीं है, दिखती भी नहीं है। ये बैठी स्टेशन पे ये भी। ओ हेलो, ओहो, 15 मिनट। हाँ 15 मिनट हो गए। कहाँ रहती है भाई तू, कहाँ, कौन सी दुनिया में, पता है कितने दिन हो गए। क्या हो गया ये भाई, मुझे रोज गोली देती है। ओ पता है ये ना मेरे को रोज बोलती है कि यार नहीं आज तो मेरा ये है, आज मुझे वहाँ जाना है। मैंने बोला एक दिन, मैंने कहा घर आ रही हूँ मैं तेरे, नहीं नहीं यार मैं तो 2:30 बजे निकल रही हूँ, बताओ कैसी है ये। पर आज हम फाइनली मिल गए। कितने दिनों बाद, कितने दिन हो गए होंगे, 15 से तो अच्छा 20-25 दिन हो गए हैं ना मिले। हे माता जी, हे मेरी माता। जा रहे हैं H&M, अगर कुछ पसंद आया तो वो लेंगे। उसके बाद हम अपना जो काम है सीक्रेट काम तो वो करेंगे, जिसको आपको देखना ही देखना है। ठीक है, ये आ गए हैं हम H&M। तो वर्षा सोच रहे कुछ लेने की, सोच रही 4-5 जोड़ी कपड़े लेने की। कौन सा पसंद आता है फिर लेते हैं। सिमरन ये साइड में खड़ी है, बेचारी वेट कर रही है। सो गाइस अभी मैं फिटिंग रूम में हूँ और इतनी सारी ड्रेसेस, अब देखते हैं कौन सी मुझे पसंद आती है। लेट्स ट्राई। ज़्यादा टाइम लग गया, इतनी बड़ी क्यूट थी ना सच में। वैसे शॉपिंग तो कर ली है बट यार एक जो टॉप पसंद आया था ना, जो मैंने अभी शो किया था आप लोगों को, वो बहुत टाइट था और उसका स्मॉल साइज़ और मीडियम साइज़ मिला ही नहीं। तो अभी मैं ऑनलाइन चेक कर रही हूँ, मेरे को बहुत पसंद आया था। हमारा स्टफ अच्छा आ चुका है और अभी पता नहीं आज इसके कितने फ़ोन आ रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा कितने फ़ोन आएंगे। तो ये आ गई है हमारी मैगी और गाइस ये खा नहीं रही है अपना स्टफ कुछ। क्यों भाई, बहुत बुरा है ये। क्यों, पता नहीं कौन से उससे लेके आई है, ढाबे से उठा के। ढाबे से इधर से लिया है, ठीक है, कोई ढाबा नहीं है वो। बहुत बेकार है, कभी मत लेना इसे। ये भी यही खाएगी, बेकार वाला। हाँ, और तू मैगी खाएगी। वाह वाह वाह, मैगी टेस्टी है। वाह सिमरन वाह, खा गई। फाइनली मैं बनवा रही हूँ टैटू, एक और दो और एक्चुअली। अभी सिमरन मेरे बनाएगी BTS टैटू के, चलो करवाते हैं। तो मैम आप कहाँ टैटू बनवा रहे हो? फिंगर पे। ओ पेन होने वाला है वैसे तो। हाँ सहन कर रखा है इसमें, ऑलरेडी एक बना हुआ है पर मैडम को दो और बनवाने, देख रहे हो। चलो देखते हैं। कैसे फीलिंग आ रही है? तो बन गया टैटू। बन गया टैटू, बन गया। वो बटरफ्लाई जब ये बनेगी तो बहुत प्यारी लगेगी आई थिंक। चलिए देखते हैं। Oh,
So tattoo is done. It's your first tattoo. Second. Okay, second one. वो जल्दी बन गया, वैसे मेरे को लगा था टाइम लगेगा, जल्दी बन जाता है। बहुत क्यूट लग रहा है वैसे, है ना गाइस? आपको कैसा लग रहा है हमारा न्यू टैटू? रात के 10:30 बजे उसने डिसाइड किया है कि ये टैटू करवाएगा। सीरियसली पहले मैंने 11:30 बजे बनवाया था ये वाली। हर जगह इसको ना कोई प्रॉब्लम होते, ये थोड़ा बड़ा, ये छोटा, ये वैसा, ये नाटा मोटा। सब कुछ परफेक्ट चाहिए मैडम को। ऐसे लग रहा है 5 मिनट में ये चीजें खत्म हो गई। ओह माय गॉड, शो मी। वाओ, वेरी नाइस, बहुत प्यारा लग रहा है। सो इनके दोनों टैटू डन हो चुके हैं और दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल बने हैं। सो गाइस, फाइनली हम जो जगह ढूंढ रहे थे इतने टाइम से वो यही थी, टैटू वाली। इसके दोनों टैटू डन है। आर यू हैप्पी? यस, आई एम वेरी हैप्पी। और पेन भी हो रहा होगा बहुत ज्यादा। बहुत हो रहा है। सो चलो चलते हैं फिर। बहुत ज्यादा। सो फाइनली हमारा टैटू, और 10:30 बजे हम जा रहे हैं घर। यार बहुत ज्यादा रात, बहुत बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं, और मेरे घर से बहुत बारी कॉल भी आ चुका है। कोई नहीं, मैं आंटी को संभाल लूंगी। ये मेरी मम्मी को हर बारी पटाती है घर जाके, देख रहे हो आप? संभाल लेंगे, संभाल लेंगे। दोस्त हो तो ऐसे हो, वरना ना ही हो तो अच्छा है। चलो, सो लेट्स गो, देखते हैं हम हमारी मेट्रो। चलो मेट्रो जा रहे हैं, मेट्रो जा रहे हैं। मिल गए, मिल गए, मिल गए, मिल गए, मिल गए। बाय बाय।